बैक एंड हम लोग आ चुके एक और एपिसोड के साथ। तो यार पिछला एपिसोड नहीं देखा जाके देख सकते हो, और हम लोग ऐसे ही ऐसे एपिसोड और डालते रहते हैं। तो भाई तुम लोग अगर न्यू हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे एपिसोड बहुत सारे तुमको देखने को मिलेगा। और पिछला एपिसोड को देखना मत भूलना, क्योंकि पिछला एपिसोड देखोगे तभी तुम इस एपिसोड को समझ पाओगे। तो यार जाओ जाके पिछला वाला एपिसोड भी देख लो। एंड बेसिकली हम लोग उस एपिसोड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछला एपिसोड के बाद से हम लोग स्टार्ट करें जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली कहाँ थे हम लोग। ओके तो कहाँ थे हम लोग, ओके एंड हम लोग आ चुके हैं। तो गेम में तुम देख सकते हो हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, और अभी तो जाके हम लोग जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि स्कूल जाना है सुबह। तो सुबह स्कूल जाना है और हम लोग निकल पड़ते हैं स्कूल, क्योंकि आज ट्यूजडे है और ट्यूजडे के दिन स्कूल खुला रहता है, तो इसीलिए हम लोग आ जाए। एंड यहाँ पे देखो हम लोगों को कहाँ जाना है, मिसेस रोज के पास, और मिसेस रोज का यहाँ आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं मिसेस रोज से। आई थॉट वी आर डूइंग द कॉन्टेस्ट प्रिंटिंग, क्या लिखा है टुडे। तो हम लोगों ने सोचा कि आज कॉन्टेस्ट प्रिंटिंग है, मतलब यहाँ पे रायु मियाँ से पूछ रही है, और यहाँ पे दैट्स व्हाट मिस रोज सेड। तो मिस रोज ने भी तो यही कहा था। वेल व्हेयर इज ही, तो कहाँ पे है मिस रोज, आई डोंट नो। यहाँ पे मियाँ भी बोल रही कि मुझे नहीं पता कहाँ पे है। देन रायु है, यहाँ पे कोई है बोल रहा है कि मियाँ बोल रहा है आई वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर द ऑर्डर डे। तो यहाँ पे मियाँ माफ़ी मांग रही है रायु से। एंड बेसिकली मियाँ तू क्यों माफ़ी मांग रही है यार, मज़ा तो रायु का हुआ ना। ओके आई मीन मेन कैरेक्टर जो है, और यू नो द वाइल्ड थिंग, तो तुमको तो पता ही होगा ना वो चीज़ तो। एंड द हॉन्किंग, हॉन्किंग क्या होता है पता नहीं। एंड आई रियली डोंट नो वट गॉट इन टू मी, तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया था। तो यहाँ पे मियाँ थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उसको थोड़ा से फील हो रहा है। इट्स ऑल राइट मियाँ, आई हैड ए गुड टाइम, इस कोई बात नहीं मियाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड यू डिड, यस मैं भी, या ओके आई थॉट वी आर फन हैविंग फन टू। तो हम लोगों ने भी मजा, हम सब ने तो मजा किया ना। तो या इट वॉज फन, तो यहाँ पे मियाँ बोली हाँ बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स जस्ट एंड इट वॉज नॉट वेरी लेडी लाइक, तो सो आई एम सॉरी राय। तो यहाँ पे मियाँ फिर से सॉरी बोल रही है, यार मियाँ मत बोल इतना सॉरी, या वी आर जस्ट हैविंग फन। ओके तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मिसेज रोज आके बोल रही है कि सी वॉज गोइंग ऑन हर अबाउट दैट पोर्ट्रेट टू मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पे मिस रोज बोल रही है कि मिसेस स्मिथ ने जो कहा था वही वाला चीज़ तो करना होगा जो प्रॉमिस किया था मिसेस स्मिथ से, ओके तो मतलब वही ड्रॉ करना होगा उनको। और यू मीन वी आर रियली डूइंग दैट, तो यहाँ पे राई बोल रहा है सच में हम लोग वही करने वाला है। हाँ आई एम एफर्ट सो, तो यहाँ पे मिस रोज बोले हाँ मुझे भी डर लग रहा है। और सी गॉट सम रियली स्पेसिफिक डिमांड्स टू, तो उसने भी कुछ अलग अलग डिमांड कराए मिसेस स्मिथ ने, पता नहीं क्या करा है। ओके तो व्हाट अबाउट द कॉन्टेस्ट, तो अभी कॉन्टेस्ट के बारे में क्या होगा, मतलब जो कॉन्टेस्ट होने वाला था ड्राइंग का। ओके रायु स्टिल गोना पेंट समथिंग फॉर दैट राइट, तो मियाँ यहाँ पे बोल रही कि रायु सच में कुछ ड्रॉ करेगा क्या नहीं उन लोगों के लिए। आई नो आई हैड ऑल प्लान इट आउट टू, तो यहाँ पे मिस रोज के पास भी कोई प्लान नहीं है, सब खत्म। द परफेक्ट थीम, तो परफेक्ट थीम द परफेक्ट मॉडल एंड इट वॉज योर फायर विनर, तो यहाँ पे परफेक्ट मॉडल भी नहीं है, परफेक्ट थीम भी नहीं है, तो कोई भी और विनर हो सकता है। तो यहाँ पे बट मिसेस स्मिथ हैज़ गॉन एंड थ्रो द वंच इन टू द वर्ल्ड थिंग, तो मिसेस स्मिथ ने जो करा उसके बाद सब कुछ बिगड़ चुका है, वही बात है। सो वॉट आर यू गोना डू, वी डोंट हैव ए टाइम टू डू द, तो यहाँ पे राय के पास कुछ आइडिया नहीं है, और मिस रोज को बोल रहा है कि मैं हम लोगों के पास सब कुछ आइडिया भी नहीं है। एंड वी विल जस्ट हैव टू रोल एंड बंचेस द पेन मिसेस स्मिथ सो पेंटिंग विल बी गुड टीच टू इन द कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पे मिसेस रोज बोल रही है कि मिसेस स्मिथ का जो पेंटिंग है वही अगर जीता दे तो अच्छा होगा, तब जमा करने वाले ओके कॉन्टेस्ट के लिए। तो देखते हैं जस्ट डू योर बेस्ट राय, तो यहाँ पे मिसेस रोज बोले जस्ट तुम अच्छा करते रहो। और एट लास्ट दिस विल बी द इंटरेस्टिंग टू वॉच, तो यहाँ पे मियाँ बोले कि चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्यूटीपा यू एंड आर गोना हैव टू सी दिस वन आउट, तो यहाँ पे मिस रोज मियाँ को बोल रही कि हम दोनों को तो बस यहाँ से साइड होना होगा और कुछ नहीं, बस बैठ के देखना होगा उन लोगों को। ओनली रायु इज अलाउड टू बी द इन द रूम, ओहो तो सिर्फ रायु रह सकता है उस रूम में और किसी को अलाउ नहीं है। ओके अबाउ दैट्स अनदर वन ऑफ मिसेस स्मिथ सिम्पलसन, मतलब क्या बात पता नहीं, बट मिस रूल होगा आई थिंक, मिसेस स्मिथ का एक और रूल है कि सिर्फ रायु रहेगा रूम में और कोई नहीं, मिसेस रोज भी नहीं, मिसेस आई मीन मियाँ भी नहीं। ओके
मिसेस बोल रहा हूँ मैं, सीरियसली तो यार। राय बोला सच में राय को मारेगा पीटेगा क्या एक रूम में, कुछ भी हो सकता है यार, देखते रहे। ओके बिलीव मी आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट इधर। तो मिस रोज बोली कि मुझे, मैं इसको सुनने के बाद मैं भी हैप्पी नहीं हूँ, मतलब खुश नहीं हूँ। एंड डैम इट, एंड आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू फील द सिक्योर अबाउट माई जॉब अगेन एंड दिस हैड टू गो एंड हैपन। तो मैं जस्ट सोच रहा था कि मेरा जॉब सही चल रहा है, बट अभी फिर से सब होने लगा। ओके डोंट वरी मिस रोज आई एम श्योर यू राई विल फाइंड अ वे टू मेक इट वर्क। तो यहाँ पे मिया बोल रही है कि मिस रोज आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, राय कोई आइडिया लगा लेगा। ओके एंड राय बचा ले भाई मिस रोज को भी, आई होप यू आर राइट एंड वी आर द बेस्ट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। तो मिया वहीं में पे हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन, मिस रोज बोल रही है कि हम लोग सब स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन के लिए। एंड ओ या वी हैव लॉट ऑफ द वर्क टू बी फॉर कैन स्टार्ट पेंटिंग। ओके तो पेंटिंग तो हम लोग स्टार्ट करने वाले पेंटिंग को। ओके एंड आवर सप्लाईज आर कंपेरेटिव, तो वी आर गोना नीड टू फाइंड द पेंट एंड कैनवास। तो हम लोगों को कुछ पेंट वगैरह ढूंढना होगा क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं। ओके वाई आर यू सपोज टू फाइंड स्टफ लाइक दैट, तो कहाँ हम लोगों को मिल सकता है वो पेंट वगैरह स्टाफ। तो वेल आई कुड प्रोबेबली मेक यूर्स द कैनवास विद ईच विथ व्हाइट लाइनेस। तो यहाँ पे कुछ लाइनेस वगैरह चीज़ें चाहिए फॉर रियल, आई कैन गेट दैट। तो यहाँ पे मियाँ बोले कि हाँ मेरे पास है। तो या रियली तो यू नॉट अ प्रॉब्लम, आई क्या लिखा चर्च हैज अ टोन ऑफ व्हाइट लाइनेस। तो चर्च ओके, तो चर्च में कुछ होगा लाइनेस नाम का कुछ चीज़ें। एंड यू थिंक दे विल जस्ट लेट अस हैव सम, तो राय बोल पूछ रहा है कि मियाँ से कि वो लोग दे, मतलब हम लोगों को लेने देगा ना। तो या आई थिंक सो, यहाँ पे मियाँ भी बोल रही हाँ जरूर देगा। तो ओके गिविंग टू द नियर नीडी इज प्रीटी बिग प्रिंसिपल ऑफ द कैथोलिज्म आफ्टर ऑल। तो वहाँ पे जो चीज़ें वो देने, मतलब अगर कोई मांगता है तो उनको देना पड़ता है, चर्च में शायद ऐसा कुछ रूल्स होगा। तो बेसिकली हम लोगों को तो अच्छा ही हुआ। वेल दैट्स कन्वेंट ओके एंड आई विल गेट राइट ऑन इट। तो यहाँ पे मियाँ बोले कि ठीक हम जाता हूँ और लेके आता हूँ, चल मियाँ लेके आ जा। ओ होल्ड ऑन मिस रोज यहाँ पे बोले रुको रुको राय यू कैन हैंडल द लाइनेंस। तो राय यहाँ पे राय को बोल रहा है ओके आई कैन हाँ श्योर जस्ट टेल द चर्च पीपल मियाँ सेंट यू। ओके तो मियाँ आई वॉन्ट यू टू टेक दिस डाउन द कॉस्मिक इन द मॉल एंड प्लेस ऑन ऑर्डर। तो यहाँ पे मियाँ को कुछ अलग चीज़ें भेज देने लेने के लिए भेज रहा है, राय को भेज रहा है चर्च। तो हम लोग चर्च में जाके कुछ लेने वाले हैं। वॉट इज़ दैट एंड मिसेस स्मिथ कॉस्ट्यूम्स डिजाइन। तो मिसेस स्मिथ का कॉस्ट्यूम जो है वो मियाँ को लेने के लिए भेज रहा है और कॉस्ट्यूम्स तो ओके देखते हैं क्या है। ओ माय ऑल राइट मैम आई एम ऑन इट। ओके वेट व्हाट इन द कॉस्ट्यूम, तो कौन सा चीज़ है यहाँ पे राय पूछ रहा है कौन सा कॉस्ट्यूम। आई डोंट वरी यू विल फाइंड आउट सून इच। तो यहाँ पे मिस रोज बोल रही है कि तुम जल्दी देख पाओगे क्या चीज़ है लाइन्स जो भी है नीनेस या लाइनेस। ओके सो वी कैन गन फोकस ऑन द पेंट प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या चीज़ है एंड चर्च फॉन्ट। तो हम लोगों को मिल गया चर्च अनलॉक एंड जल्दी से हम लोग चर्च में चलते हैं और चर्च में देखते हैं क्या है। कहाँ है भाई चर्च 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 कहाँ अनलॉक हुआ। ओके मिल गया, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया हाई एंड द चर्च इज एम्प्टी। ओके लुक्स लाइक आई मिस्ड मास एंड द साइन ऑफ द वे डिसाइड इज सेलिब्रेटेड टू वीकेंड मॉर्निंग। कुछ अलग ही बात है। तो यहाँ पे किससे बात करें, इससे बात करें क्या मिस। ओके आई एम डूइंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द स्कूल यू नीड सम व्हाइट लाइनेस। ओके माई फ्रेंड मिया सेड यू माइट बी विलिंग टू स्पेयर सम मिया सेड यू। ओके सिक्योर टू द वाइट लाइनेस। तो इनके पास यहाँ क्या है सब्स टू गिव यू सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ विद योर वॉइस दैट साउंड वर्क फाइन जस्ट फाइन थैंक यू वेरी मच इफ यू वॉन्ट टू थैंक मी स्टार्ट शोइंग अप द सर्विस ऑन संडे। तो यहाँ पे मिस्टर एंजेलिका ओके तो एंजेलिका जो भी नाम इनका ओके यार मैं नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ। तो ये यहाँ पे सिस्टर एंजेलिका बोल रही कि अगर तुमको थैंक यू बोलना है तो डेली संडे को आ जाओ और यहाँ पे आके थैंक यू बोलो, बस इतना करना है। नाउ वेट यार वाइल आई गो आउट एंड गेट देम। तो यहाँ पे मिसेस एंजेलिका जा रही है और पेंट ला रही है लाइन्स जो भी है चीज़ें। ओके मैंने सोचा कि उन लोग कुछ अलग चीज़ें मांगेंगे इसके बदले में, तो यहाँ पे कुछ नहीं मांगा। ओके एंड यहाँ पे आ चुकी है मिसेस अंजलिना यार या गो। तो ये लो तुम्हारा चीज़ है। ओ तो ये कपड़ा टाइप का कुछ चीज़ है। ओके ओके अभी समझ में आया, मैंने सोचा कुछ पेंट वगैरह कुछ चीज़ें होगा,
कपड़ा है ना, तो टेल मियाँ ये फॉर दैट नेक्स्ट सर्विस ऑनलाइन कॉर्पोरेशन, तो मियाँ को कुछ बोलने के लिए बोला है ओके, तो बोल देंगे ओके आई विल लेटर नो। मियाँ माइट बी एंड अप द फंडिंग ऑन द बिल ऑन द दिस वन, तो क्या चाहिए इससे, आर यू बेटर दिस लाइन इंस। तो जल्दी से इसको लेके जाके मिस रोज को देना है, चलो जल्दी से जाके हम लोग मिस रोज को एक चीज तो दे देते हैं। अर्थस लाइनेंस ओके, फो दे आर लिटिल फेड आई होप दैट्स ओके। तो ब्राइक पूछ रहे, ये थोड़ा सा फट गया वो आई थिंक, ऐसा कुछ है तो या खराब हो चुका है तो चलेगा क्या, ऑफोर्डेड ओके आई गॉट इट, ये थोड़ा सा जो मुड़ा हुआ हो गया ओके, तो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मुड़ मुड़ गया होगा तो ये काम चलेगा ना। तो यहाँ पे मिस रोज को पूछ रही है, वो पूछ रहा है तो देखते हैं, इट्स ऑलवेज बी प्रॉब्लम प्लेंटी ऑफ यूजुअल मटेरियल देयर, तो हाँ काम चल जाएगा अभी ओके थैंक गॉड। सो नाउ व्हाट, वी नीड पेंट रिमेंबर, तो ये भी पेंट चाहिए हो एंड वी नीड इट फॉर फ्री, तो फ्री में पेंट कौन देगा अभी, चलो यार फ्री में ढूंढने होगा, आई डोंट हैव द बजट टू बाई एनी, तो मिस रोज के पास बजट भी नहीं है और बाई करने के लिए, यार पेंट भी कितना महंगा हो सकता है, दैट डिजंट लीव अस फॉर अ लॉट ऑफ ऑप्शन, तो बेसिकली हम लोगों के पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। एंड तो यहाँ पे गो टेल टू ईवी एंड सी इफ सी हैज एनी कैन बोरो, तो हम लोगों को ईवी कैसे पूछना होगा, अगर उसके पास थोड़ा बहुत भी पेंट होगा तो हम लोगों को चल जाएगा, तभी हम लोगों को फिर ईवी के पास चलना होगा। यार मिस रोज कुछ तो काम किया करो, ऐसे कैसे चलेगा, तो वो रियली वांट नीड मच फॉर वन पेंटिंग, तो ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोगों को, थोड़ा सा भी चल जाएगा। तो आई हैव गॉट अ सेट स्टार्टेड ऑन दिस कैनवास, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं ओके एंड ओके, तो हम लोग जल्दी से अब फिर से मियाँ के पास, ये ईवी के पास जाना होगा, ईवी से हम लोगों को पेंट लेना होगा, ईवी कहाँ चली गई।